खबर मंदसौर से है, जहां एम्बुलेंस में ले जा रहे अवैध डोडा चूरा की तस्करी की मामला सामने आया है, जहां पे पुलिस की सक्रियता से युवक को रंगे हाथ दबोचा गया है। युवक से पूछताछ की जा रही है। मंदसौर जिला डोडा चूरा की तस्करी के लिए विख्यात बताया जाता है, जहां डोडा चूरा तस्कर तस्करी के लिए फोर व्हीलर वाहनों सहित टू व्हीलर वाहनों में तस्करी करने में माहिर है। तो वहीं जिले में अवैध तरीके से संचालित हो रही एम्बुलेंस पर भी रोक नहीं लग रही है। बीती रात बूढ़ा चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी की सक्रियता से एम्बुलेंस में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक युवक को रंगे हाथ धर दबोचा गया। पुलिस के द्वारा मिली गई जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में नारायणगढ़ पुलिस चौकी बूढ़ा प्रभारी ने मुखबिर से सूचना पर यह कार्रवाई की है, जहां बालाजी मंदिर के सामने काचरिया चौपाटी संजीत रोड पर नापाखेड़ा फंटे तरफ से आ रही एम्बुलेंस टवेरा कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें आरोपी सलमान पिता सईद खान हाल मुकाम दाऊदखेड़ी मंदसौर के अधिपत्य वाली एम्बुलेंस टवेरा की कार की तलाशी में 8 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला, जो कि जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ये डोडा चूरा श्रीराम निवासी बासखंडी के द्वारा दिया गया है। मामले में थाना नारायणगढ़ पर आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम किया जा रहा है और विवेचना में मामले को लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये डोडा चूरा किसको दिया जाना था और कितने लोग इस मामले में शामिल हैं। ये बूढ़ा चौकी को जो प्रभारी हैं अभिषेक बोरासी, उनको मुखबिर ने सूचना दी थी कि नापाखेड़ा तरफ से एक एम्बुलेंस में डोडा चूरा भर के ले जाने वाले हैं। तो ये रात्रि मध्य रात्रि में उन्होंने नाकाबंदी की, तो एम्बुलेंस टवेरा गाड़ी में 8 बोरों में भरा हुआ डोडा चूरा लगभग 1.5 क्विंटल बरामद हुआ है और चालक एक आरोपी सलीम गिरफ्तार हुआ है। सर, माल कहाँ से लाना, कहाँ ले जाना था? ये नापाखेड़ा से भर करके और सुठोद, ये पिपलिया मंडी हाईवे पे जो गांव है वहाँ ले जाने का बताया। अभी सर जो आरोपी जो आरोपी और गिरफ्तार जो गाड़ी जब्त हुई, सर इसमें पहले भी कोई तस्करी कोई ट्रैवलिंग दोस्ता कोई मामला सामने आया? हो सकता है, इसमें हम पूछताछ करेंगे आरोपी से भी अभी कि पहले भी उसने किया है क्या। बाकी अभी अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अभी विवेचना चल रही है। सर, जो एम्बुलेंस पुलिस ने पकड़ी है वो सब अस्पताल में प्राइवेट अटैच है या किस तरह से काम करती है? नहीं, अभी तो जो प्राथमिक पूछताछ हुई उसमें किसी भी अस्पताल में अटैच होना नहीं बताया है, केवल एम्बुलेंस बना रखी है ये मालूम पड़ा है, प्राइवेट एम्बुलेंस है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।